केस नंबर टू क्या हो सकता है आपके पास, तो इसको भी देख लेते हैं। केस नंबर टू आपके पास ये है कि जब आपके पास व्हेन रैशनल फ्रैक्शन जो कि आपके पास पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में होता है इज इम्प्रॉपर। ओके, अगर आपके पास रैशनल फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर है तब आपने क्या करना होगा। ओके, तो इसको भी हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, और अगेन ये आपकी बुक की एग्जांपल है और इसके अंदर आपके पास जो एग्जांपल दी गई है हम उसको देख लेते हैं। सो यहां पे है आपके पास कुछ इस तरह से 2x³, ये एग्जांपल है आपके पास 2x³ प्लस x² माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स 2x प्लस 3 और x माइनस 1। ओके, अच्छा, अब आपके पास ये जो फ्रैक्शन है रैशनल फ्रैक्शन, ये आपके पास इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर किस तरह से है, न्यूमरेटर के अंदर अगर आप देखें तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और डिनोमिनेटर के अंदर जब आप इन तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। यानी इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि इसके अंदर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो अब हमने करना क्या होगा, अच्छा इसके अंदर हम करते ये है कि हम यहां पे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं। ओके, तो डिविजन करने के लिए मुझे इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं आपकी बुक से देख के कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या कंडीशन आएगी। ऊपर में तो एज इट इज रहेगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, और नीचे में जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ओके, अच्छा अब हमने करना क्या है कि चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अभी हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे। ओके, किस तरह से, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 से। ओके, अच्छा अब डिवीजन का तरीकेकार क्या होता है, आप इस पहली वाली टर्म को देखते हैं और इस पहली वाली टर्म को देखते हैं, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जिसको इससे माइनस करने पर जीरो बन जाए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 2x³ को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 2x³ बन जाए ताकि ये आपस में माइनस हो जाए, तो सिंपल है हमने 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2x³ जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या, ये बन जाएगा 2x³। सिमिलरली एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। ओके, अच्छा अब चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, तो यहां पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहां पे ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और इस तरह से ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आपके पास माइनस एक्स और प्लस का 3x मिलके कितना हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3। ओके, अच्छा अब होगा क्या कि यहां पे इसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहां पे इसकी डिग्री ज्यादा है और रिमेंडर की डिग्री कम हो गई। अब हमने करना क्या होगा, हमने इसको अरेंज करके लिखना होता है, और अरेंज हमने किस तरह से करके लिखना होता है, यहां पे सबसे पहले हम करते क्या है कि जो आपके पास कोशेंट होता है उसको हम लिखते हैं, तो कोशेंट क्या है आपके पास 1, तो ये मैंने लिख दिया 1 प्लस जो आपके पास रिमाइंडर होता है उसको आप लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन, और उसके बाद जो ये आपका डिविडेंड है उसको आप लिख दें विच इज 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ओके, क्या करा हमने कि जब हमने डिवाइड करा तो डिवाइड करने के बाद इस गिवन एक्सप्रेशन को हमने किस तरह से लिखा आफ्टर डिवीजन, इस तरह से। अगर आप चाहें इन दोनों को सॉल्व करें तो वापस से यही चीज बन जाएगी। ओके, करा क्या, पहले हमने लिखा कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय द डिविडेंड। अच्छा अब हम करेंगे क्या कि हमारे पास दो नंबर्स आ गए या दो फ्रैक्शंस आ गए, एक तो है हमारे पास 1 जो कि सिंपल इंटीजर है, दूसरा आपके पास रैशनल फ्रैक्शन आ गया। अच्छा अब ये जो आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है ये आपके पास क्या बन गया है, ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन गया। ओके, क्यों, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो अब हम जब इसको आगे स्प्लिट करेंगे तो वही रूल्स इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने यहां पे केस 1 के अंदर डिस्कस किया था। ओके, तो ये दो केसेस है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 के अंदर जिसको हमने डिस्कस किया है, और होपफुली आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी।
अब हम करेंगे इनकी एक्सरसाइज इक्वेशंस और इसमें हम प्रॉपर तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1।